हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्यावरा समेत पूरे ज़िले में ऑक्सीजन गैस की किल्लत है। लोग ऑक्सीजन के कारण, उसकी कमी के कारण अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में ब्यावरा विधायक ने अपनी प्रयास से ब्यावरा जिला अस्पताल को पहली बार गैस मुहैया कराई। वो खुद रावगढ़ गए और जयवर्धन सिंह से रिक्वेस्ट की और ब्यावरा के लिए गैस लेकर आए हैं, जो लोगों के लिए इस समय सबसे बड़ी जीवनदायी गैस ऑक्सीजन है। इसके बिना कई लोगों ने दम तोड़ दिया है और कहीं ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन विधायक दाई का कहना है कि वो खुद रावगढ़ गए, बाबा साहब यानी जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री से रिक्वेस्ट की और ब्यावरा के लिए अतिरिक्त गैस मांगी। वैसे भी जिले में 300 सिलेंडर दे चुके थे। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये सिलेंडर आपने कहाँ से उपलब्ध कराए हैं और ब्यावरा के लिए, क्योंकि एक सप्ताह से ब्यावरा में सिलेंडर नहीं था। देखिए, आपको बताया कि अभी दो तीन दिन पहले गुना में माननीय दिव्य सिंह जी और माननीय जयवर्धन सिंह जी जी भैया पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके प्रयास से गुना में एक गैस का टैंकर आया था जी। और उसमें माननीय जयवर्धन सिंह जी ने रायगढ़ जिले के लिए, रायगढ़ के लोगों के लिए 300 सिलेंडर देने की बात कही थी। अभी दो तीन दिन में 200-250 के लोगों को पहुंचे थे। मुझे पता चला कि अभी भी वहाँ पूरी तरह से समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं आज स्वयं गुना गया। करीब 11 बजे से भी शाम 9 बजे तक जहाँ फिलिंग होता है, फिलिंग सेंटर है, वहाँ पर मैं रहा। मैंने स्वयं राजगढ़ के जो शेष बचे थे 50-60 टैंक सिलेंडर, उनको मैंने भरवाया राजगढ़ के लिए। और बाकी फिर मैंने माननीय जयवर्धन सिंह जी से और निवेदन किया, माननीय आपने 300 का तो घोषणा की थी, लेकिन मैं ब्यावरा के लिए भी आया हूँ, तो मुझे और 25 अतिरिक्त सिलेंडर दिए, ब्यावरा के लिए दें। तो उन्होंने मेरा के तुरंत वहाँ प्रशासन को निर्देश दिया कि इनको 25 ब्यावरा के और अतिरिक्त दिए जाए। 25 सिलेंडर में भरवा करके यहाँ लाया हूँ। निश्चित रूप से बहुत कमी है ऑक्सीजन की, जिले भर में भी है, जिला प्रशासन भी तमाम प्रयास कर ही रहा, लेकिन फिर भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। और ब्यावरा में जिले के अलावा अन्य स्थानों में तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही प्रशासन ने नहीं निभाया, बहुत कमी है। उसी कमी को देखते हुए मैंने प्रयास किया कि ब्यावरा के लिए क्या कारण है कि सरकार एक साल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई। इसमें पूरी तरह सरकार फेल है जी। और केंद्र से लेकर के मध्य प्रदेश सरकार तक ने, जब कोरोना स्टार्टिंग हुआ उसको एक साल से अधिक समय हो गया, और अभी कोरोना बीच में धीमा भी होता, सरकार को प्रयास करना चाहिए था कि हम पूरे प्रदेश में पूरी जिला स्तर में तो कम से कम एक एक ऑक्सीजन प्लांट लगा दें, जो आवश्यक दवाएं उनको उपलब्ध करा दें, अतिरिक्त बेड लगा दें। लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सरकार अपने मस्ती में मस्त रही, चुनाव कराने में व्यस्त रही, और जनता पे और लोगों पे ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम है कि आज हम सब लोग भुगत रहे हैं, हमारे लोग हमारे देखते देखते दम तोड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है जब लोग हमें फोन करते हैं, सर ऑक्सीजन दिला दो, एक इंजेक्शन दिला दो, एक बेड दिला दो, और हम सब नहीं दिला पाए। सरकार की असफलता हुए से हम सब लोग परेशान हैं, सारे लोग दुखी हैं। अब ब्यावरा में ऑक्सीजन की कमी तो आप नहीं आने देंगे क्या? दोबारा फिर इस तरह से जब भी कमी होगी तो आप जाएंगे लाएंगे, या फिर निश्चित रूप से मेरा जो प्रयास होगा, मुझे जहाँ भी पता लगेगा कि लोगों के लिए ऑक्सीजन कहाँ मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, मैं संभव प्रयास करूंगा कि यहाँ ब्यावरा के लोगों को, पूरे जिले के लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम नहीं तोड़ना पड़े। और भी जो अतिरिक्त मशीनें हम लोग मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मशीनें भी लाकर के ऑक्सीजन की यहाँ ला के दे, ताकि हमारे लोगों को सुविधा मिले।